बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको अलाइट स्कूल फेस कैंपस की तरफ से जमात हफ्तम का इस्लामियत का समय पैक हल करवाऊंगी। आज हम सरगर्मी नंबर 6-11 हल करेंगे। सरगर्मी नंबर 6, इस्लामी इबादात से मसावात के बारे में क्या सबक मिलता है। यहाँ पर मैंने इसका जवाब लिख दिया है, आप इसको कॉपी करके लिख सकते हैं। सरगर्मी नंबर 7, दवा मांगने के आदाब लिखें। यहाँ पर मैंने दुआ मांगने के कुछ अदाब लिखे हैं, आप इसको कॉपी करके लिख सकते हैं या मज़ीद आप कुछ अदाब ख़ुद से भी लिख सकते हैं। सरगर्मी नंबर 8, दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। यहाँ पर चंद सवाल दिए हुए हैं और उसके आगे उसके 3-3 जवाब दिए हुए हैं, इसलिए आपने दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाना है। सरगर्मी नंबर 9, यहाँ पर चंद सवाल दिए हुए हैं, उनके आपने जवाब लिखने हैं। मैंने उनके जवाब तहरीर कर दिए हैं, आप उसको कॉपी करके लिख सकते हैं। सरगर्मी नंबर 10, सहावत के माशरती फ़वाद लिखें। यहाँ पर मैंने कुछ फ़वाद लिखे हैं, आप इसको कॉपी करके लिख सकते हैं। सरगर्मी नंबर 11, मसावत ना होने से माशरे में कौन कौन सी बुराइयाँ जन्म ले सकती हैं। यहाँ पर मैंने कुछ बुराइयों के बारे में जिक्र किया है, आप इसको कॉपी करके लिख सकते हैं या मज़ीद अगर आप किसी बुराई के बारे में जानते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। आज आपका इस्लामियत का समय पैक मुकम्मल हो गया है। उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समय लगी होगी, इस वजह से आपने अच्छे तरीके से काम करना है और घर पर रहना है।